तीर कमान से निकल चुका है, वापस आएगा नहीं। मैं जितने एरिया में काम करता हूँ ना, उसमें पूरा भूचाल टाइप का आ जाता है। चार्जर सब कुछ पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा बैग पेपर सब पड़ा हुआ है। लेकिन आज घर में बना है हमारा फेवरेट राजमा चावल। किसने बनाया होगा? नहीं, मैंने नहीं बनाया। आज ऐसे रोज़ रोज़ काम करने से फिर लोगों को, बाकी लोगों के काम पे खतरा पड़ने लगता है, तो मैं आज नहीं किया। टमाटर जल चुका है? नहीं, टमाटर नहीं है भाई। तो क्या है ये? लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। तो का पेस्ट बना के डालो? हाँ, पहले पेस्ट। गुड गुड बेटा, गुड। जैसा हमने सिखाया था वैसे ही चल रहा है बिल्कुल। अब क्या राजमा डालेंगे? भाई ये भुनेगा नहीं। ओके, राजमा उबल चुका है और पेस्ट चल चुका है। बहुत अच्छे से, बिल्कुल वैसे ही काम करो जैसे मैंने सिखाया है। लहसुन, मिर्चा, हरी मिर्चा। वाह, ये पीसा जाएगा? चलो चलो काम करो अच्छे से। हाँ, अच्छे से काम करो। टमाटर कट चुका, जल्दी बना क्या फायदा अगर राजमा ही नहीं रेडी हो? भीग रहा है अभी पानी। ऐसा तो नहीं कि स्विमिंग करने निकला और डूब गया पांच चावल उसमें? नहीं, नहीं, ऐसा कोई चल रहा है। एक और मैं आप लोगों को सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। आज 3:30 बज चुके हैं और अभी हम नहाए नहीं है। क्यों नहीं नहाए? क्योंकि ये जो बाल देख रहे हो ना, आज मेरे को कटवाने जाना है, इसलिए मैंने नहाया नहीं। दो टाइम नहाएंगे यार, इस टाइम में बारिश का मौसम है, कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो। और अभी एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन लगवा के आ रहा हूँ। वैसे पता है क्या, आज सबसे अच्छी बात क्या हुई, थोड़ा लेट उठे लेकिन काम जो था जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। और अभी जो है 4 बजने तक का वेट करना, 4 बजे हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बाल कटवाने जाएंगे। मम्मी आ चुकी हैं। मम्मी क्या कर रही हो? चेक कर रहे हैं तुमको। तुम क्या काम चोरी कर रहे हो क्या? नहीं, काम चोरी नहीं, हम बहुत काम काजी आदमी हैं। मतलब कल से फिर तो न्यू स्टाइल के बाल रहेंगे ना मेरे, इसलिए एक आखिरी बार। चलो हो चुके रेडी। तीर कमान से निकल चुका है, वापस आएगा नहीं। बाल कटने हैं तो कटने हैं, अब कोई इफ नो बट, ओनली बाल कटा, खट खट खट। वाओ, मेरे को तो राइटर बन जाना चाहिए। चलते अपना नीचे। थैंक यू। ओहो, गौ माता की कॉन्फ्रेंस चल रही है। ओके, हैव अ ग्रेट डिस्कशन। ओ, दो गौ माता यहाँ पे, ये अपोजिशन पार्टी वाले लगते हैं, है ना? इसको कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, बट गौ माता हैविंग कॉन्फ्रेंस, वी विल नॉट डिस्टर्ब देम। गौ माता जी की कॉन्फ्रेंस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ के चली आई, लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए आज। कोई बात नहीं, इनको अच्छा अपोजिशन पार्टी भी आ चुकी है। खैर, ओके, तो हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं, बाल कट चुके हैं, लेकिन वो हम आपको नहाने के बाद दिखाएंगे। अभी नहाने के बाद जो हम लोग फिर वही जो आप मेरे हर ब्लॉग ज़्यादातर ब्लॉग्स में टी शर्ट देखोगे, वही टी शर्ट पहन ली। वैसे मैंने पूरे दिन शर्ट पहनी थी, लेकिन फिर नहाए, मैंने कहा गर्मी पड़ है, हल्की टी शर्ट है तो इसलिए पहन लिया। अब मैं आप लोगों को अपना न्यू हेयर स्टाइल दिखाता हूँ, देखो। कोई चौंकना मत प्लीज़, और हंसना भी नहीं, मेरे को खुद हंसी आ रही। यस, मैंने पूरे बाल कटवा दिए अपने, रीज़न बीइंग कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी कि पूरा टाइम ऐसे खाना खा रहा हूँ तो उसमें बाल गिर रहे हैं, और ऐसे हाथ फेर रहे, कंघा में बहुत सारे बाल गिरते रहते थे। तो ये और एक और रीज़न था, मेरे सिर पर जो है ना बहुत सारे दाने भी हो गए हैं। तो खैर, अब फिर से प्रॉपर केयर करेंगे इसकी।
एक्चुअली उधर से आवाज आ रही थी, मेरे को लगा किसी ने बुलाया तो नहीं। इस वजह से अब से कुछ हफ्तों तक आने वाले व्लॉग्स में हम आपको ऐसे ही ये पहने हुए मिले। इधर हमारा आज का व्लॉग चल रहा है, नया व्लॉग देख रहे हैं हम लोग। और इधर कौन है कितने प्यार से सो रहा है सिर रख के अपने हाथ में। एक व्लॉग शूटर, एक व्लॉग एडिटर, एक व्लॉग शूटर। फाइनली आज ये हमारे घर की झालर खुलने वाली है। यस, उतर गई सारी रस्सी एक बार। गुड 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 गुड, बस करो बहुत काम। सबको 10 रुपए मिलेंगे चॉकलेट के। चलो भाई, ओके बाय। चश्मा लगाए रहना। नहीं, ये हम काट। तो ऐसा हम कमरे में थे, मम्मी का फ़ोन आया, ये चाय पियोगे? हमने कहा पियेंगे। तो हमने पूछा चाय कौन बना रहा है? तो मम्मी ने कहा पापा चाय बना रहे हैं। तो हमने कहा भाई साहब ये तो कंटेंट है, इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। अभी हम चलते हैं देखते हैं पापा कौन सी चाय बना रहे हैं। मिलते हैं आपको सीधा चाय। पापा फिर से आप चाय की नाइट ड्यूटी पे लगे हुए। क्या हुआ? जिंजर और टर्मरिक, ये मैं पीऊंगा। ये तुलसी ग्रीन टी है और ये तुलसी अदरक और हल्दी। ये हम बनाएंगे क्या? MTR का पोहा। हमें चाहिए एक भगोना और चाहिए एक कप। कप में डालना है इतना सा पानी, इसमें डालना है इधर देना है, इसमें डाल देना है। और अब क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए एक लिड। लिड का काम बहुत जल्दी पड़ने वाला है आपको। और पानी उबल चुका है, और जो है इसको हल्का सा मिक्स कर देना ताकि पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब में। फिर इसके बाद जो है इसको लिड से कवर कर देना 3 मिनट के लिए। हाँ, अगर आपको डांटना खानी है तो जहाँ से जो सामान उठाया उसको वहीं रख दीजिएगा। ऐसे सस्ते लाइफ हैक्स मैं देता रहूँगा बीच बीच में व्लॉग्स में, आप लोगों को पसंद आएंगे। तो फाइनली हमारा पोहा हो चुका है रेडी, हम चलते हैं चाय के साथ पोहा खाने। गाइस होप करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारा हेयर स्टाइल पसंद आया तो तब भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने फेवरेट मोमेंट्स। और जो Q&A सेशन इस संडे को जिसकी वीडियो आने वाली है, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके दबा दीजिएगा। उसके बगल में घंटी भी होगी, उसके दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और उस नोटिफिकेशन को देख करके आप सबसे पहले आकर के हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में।